हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कलर्स एंड हाउ टू डू। इसमें हम चार बॉक्स लेंगे। पहले बॉक्स में हम डार्क कलर करेंगे, दूसरे में लाइट करेंगे, तीसरे में डार्क टू लाइट करेंगे और चौथे में दो कलरों को हम मिक्सिंग करेंगे। जब भी हम छोटे बच्चे को कलर देते हैं तो वो सबसे पहले उसको डार्क चलाता है, तो उसी के लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और उसको बोले बेटा इस बॉक्स में आप डार्क करो जितना आप कर सकते हो, लेकिन कलर्स बाहर नहीं जाना चाहिए। और उनको बताना चाहिए पहले किनारे पर कलर करना है, उसके बाद बीच में कलर करना है। ऐसे जब बच्चा कलर करता है तो उसका इंटरेस्ट और भी बनता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा के अनुसार ही कलर कर रहा है। इस बॉक्स में डार्क कलर चलाने के बाद हम दूसरे बॉक्स में लाइट कलर चलाएंगे। पहले हम किनारे किनारे पर कलर कर रहे हैं ताकि कलर हमारा बाहर ना निकले, उसके बाद बीच में हम हल्के हाथ से कलर चलाएंगे जितना हम चला सकते हैं। हल्के हाथ से कलर चलाने के बाद हम अगले बॉक्स में डार्क टू लाइट कलर चलाएंगे। इसमें हम ग्रीन कलर लेंगे। पहले हम कलर्स को किनारे पर डार्क कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ हम हल्के हाथ से कलर मिक्स करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बॉक्स में दो कलर लेंगे, एक हम येलो कलर लेंगे और दूसरा हम ब्लू कलर लेंगे। इसमें हम कॉर्नर टू कॉर्नर कलर करेंगे। किनारे पर हम डार्क कलर कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ हम हल्का हल्का करेंगे। और उसके बाद हम नीचे से जैसे ब्लू कलर करेंगे और इसको येलो कलर में मिक्सिंग करते हैं, तो उसमें हमें लाइट डार्क कलर जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके अंदर लाइट डार्क नहीं होता हमारी जो पेंटिंग हम बनाते हैं या स्केचिंग करते हैं या कुछ भी उसके अंदर हम कलर करते हैं वो बिल्कुल सिंपल लगेगा। हमें अच्छी ड्राइंग के साथ साथ एक अच्छी तरह से कलर करने का भी तरीका हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये दोनों हमें अच्छी तरह से नहीं आएंगे हम अपनी ड्राइंग को अपने कलर्स को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ड्राइंग के साथ साथ हमें कलर को कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कलर्स को हमें कैसे लाइट डार्क चलाना चाहिए और उनको आपस में कैसे मिक्सिंग करना चाहिए।